क्लास 6-7-8 के लिए कंप्यूटर की शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, लर्निंग आउटकम, बच्चों ने कंप्यूटर के बारे में सुना है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, प्रकरण कंप्यूटर का इतिहास परिचय, सीखने सिखाने की सामग्री कंप्यूटर का चार्ट मॉडल, दीक्षा ऐप में उपलब्ध वीडियो, मोबाइल व पाठ्य पुस्तक आदि, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि, चरण समय आकलन, शिक्षण के प्रारंभ में सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कंप्यूटर का चार्ट दिखाते हुए निम्न प्रश्न करेंगे। कंप्यूटर के मुख्य भाग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के मुख्य भाग कीबोर्ड सीपीयू मॉनिटर प्रिंटर माउस इत्यादि। जब भी हम कंप्यूटर के लिए शिक्षण योजना का निर्माण कर रहे हों तो हमें गतिविधि का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही हमें बच्चों को चार्ट के द्वारा जो है कार्टून फोटो दिखाते हुए बच्चों को कंप्यूटर के बारे में अभिरुचि पैदा करना होगा और समय समय पर हमें उनसे प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए जिससे बच्चों का शिक्षण में रुचि बना रहे। जैसे कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर कितने भाग हैं, बच्चों से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है, आप लोग कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं। शिक्षण के दौरान हमें 20 से 25 मिनट तक प्रतिक्रिया व अवलोकन के बारे में भी जानकारी देनी होगी और बच्चों को बताना होगा। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बच्चों को बताना होगा। इस तरीके से हम पाठ योजना को बहुत ही रुचिकर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को ये भी बताना होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार आखिर क्यों हुआ, हम कंप्यूटर से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इससे गणना कैसे होती है। गृह कार्य, शिक्षक बच्चों को कंप्यूटर का चार्ट बनाने को लाने को कहेंगे, कंप्यूटर की परिभाषा लिखने को कहेंगे, कंप्यूटर से जुड़े हुए मॉनिटर सीपीयू माउस कीबोर्ड इत्यादि का भी चार्ट पर डायग्राम या फोटो बनाकर लाने को कहेंगे जिससे बच्चों में कंप्यूटर के प्रति, कंप्यूटर सीखने के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। सुंदर व आकर्षक चित्रों का प्रयोग भी हम अपने शिक्षण योजना में कर सकते हैं जिससे बच्चे कंप्यूटर के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे।